हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी पूरे देश से होनहार बच्चों को विभिन्न क्षेत्रों में अपना विशिष्ट योगदान देने के लिए सम्मानित किया गया। लगभग 32 बच्चों को वर्चुअल सम्मानित किया गया। इसी कड़ी में इंदौर की 13 वर्षीय बालिका पलक शर्मा को खेल स्पर्धा के क्षेत्र में सम्मानित किया गया। वर्चुअल कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी मौजूद रही। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का कार्यक्रम इस वर्ष कोरोना काल के चलते वर्चुअल रूप से आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 21 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 32 जिलों से बच्चों का चयन किया गया। बच्चों का कला और संस्कृति सहित अन्य क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान के माध्यम से चयन किया गया था। इंदौर से 13 वर्षीय बालिका पलक शर्मा का तैराकी व गोताखोरी खेल स्पर्धा में चयन किया गया। पलक शर्मा 8 वर्ष की उम्र से तैराकी व गोताखोरी कर रही है, जिसके चलते एशियन एज ग्रुप चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पलक शर्मा सबसे कम उम्र की गोताखोर बन चुकी है। पलक 5 राष्ट्रीय स्पर्धाओं में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं, तो वहीं कई राज्य स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता में सिल्वर और गोल्ड अवार्ड जीत चुकी है। मेहनत तो बहुत लगती है और सुबह 4 घंटे शाम 4 घंटे रोज मेहनत करती हूँ और वो सर सिखाते हैं मुझे, कोच रमेश व्यास सर जो आपके सामने व्यास सर से पूछे हाँ। बड़े सख्त कोच हैं ये और उनके कारण ही मैं आज यहाँ खड़ी हूँ। वो मुझे रोज प्रैक्टिस करवाते हैं सुबह 4 घंटे और शाम 4 घंटे। अच्छा बेटा, माता पिता का भी आपके बड़ा योगदान है हाँ। और एक और चीज़ है जो आपके बारे में हम सब जानना चाहते हैं, हमने दबंग अपने दंगल फिल्म में देखा था कि आमिर खान जो है वो बच्चों के बाल जो है वो छोटे कटवा देते हैं क्योंकि ध्यान खेल पे रहे, ऐसे ही कुछ आपके साथ भी हाँ, है, तो क्या किस्सा है वो पापा ने ही बोला है कि पानी में जाते हैं तो बाल खराब भी हो जाते हैं और बहुत केमिकल घुसता है बालों में, तो बाल कटवाना अच्छा ही है, तो मैंने इसलिए बाल कटवाए। और मेरे पेरेंट्स का भी बहुत सपोर्ट है, वो रोज मुझे सुबह शाम दोनों टाइम प्रैक्टिस के लिए लाते ले जाते हैं और मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। आइडियल कौन है आपके लिए? आइडियल मेरे लिए मेरे सर हैं और मेरे पेरेंट्स ही हैं। उसके लिए मेरा लक्ष्य आगे और नेशनल इंटरनेशनल खेलना है और मेरा सबसे बड़ा सपना ओलंपिक्स में गोल्ड लेके आना है अपने भारत के। प्रधानमंत्री जी ने जो आज बच्चों के लिए कहा, इससे कितना आगे आपको प्रोत्साहन मिलेगा? उसके लिए तो मोदी जी ने मुझे बहुत ही अच्छा बताया कि और आगे बढ़ने के लिए उन्होंने संकल्प जो 3 दिलवाए है वो मेरे लिए बहुत अच्छे मायने रखे हैं। तो वहीं पलक शर्मा के परिजनों का कहना है कि पलक शर्मा शुरू से ही कुछ अलग करना चाहती थी, इसी के चलते उन्हें तैराकी प्रतियोगिताओं में शामिल किया गया। गोताखोरी व तैराकी प्रतियोगिता में उन्होंने अपना एक अलग नाम स्थापित कर आज प्रधानमंत्री बाल अवार्ड जीत कर पूरे शहर का नाम रोशन किया है। सुबह मॉर्निंग की जो प्रैक्टिस होती है, जब मैं फ्री होता हूँ तो 4 घंटे में लेकर के जाता हूँ और दिन में मुझे काम होता है, ऑफिस जाना होता है, तो शाम के 4 घंटे ये समय देती है। बाकी का इसका जितना मार्गदर्शन होता है हमें इसके कोच गुरु रमेश व्यास जी से प्राप्त होता रहता है। वो रोज ब्रीफ करते हैं, आज ये करवाना है ये करवाना है, तो उनके माध्यम से पूरी दिनचर्या इसकी चलती है। परिवार में सब कुछ इस तरह का? नहीं नहीं, हमारे यहाँ से कोई भी अभी ऐसा कोई स्पोर्ट्स में आज तक नहीं गया, पहली बार पलक है जो यहाँ आई है वो भी आदरणीय गुरु रमेश व्यास जी। कैसे शुरुआत हुई इसकी? ये स्विमिंग में इंटरेस्ट था इसको, हम स्विमिंग के लिए गए थे, फिर गुरुजी मिले, फिर गुरुजी ने हमको समझाया कि इसकी फिटनेस अच्छी है, आप डाइविंग में आओ, लेकिन रिस्की खेल है, तो हमने उस रिस्क को भी स्वीकारा, फिर गुरुजी के हवाले किया, तो आज इस पोजीशन पे आके खड़ी। आज बहुत गर्व हो रहा है कि प्रधानमंत्री जी ने बिटिया का सम्मान किया है, मैं आभार व्यक्त करूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा उनको। पलक शर्मा के कोच रमेश व्यास का कहना है कि पलक एकाग्रता और दृढ़ निश्चय के साथ अपने लक्ष्य की ओर काम करती है। उन्हें एक बार यदि कोई लक्ष्य बता दिया जाए तो वे उस लक्ष्य की प्राप्ति में लग जाती है और उसी का फल स्वरूप है कि आज उन्हें प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पलक शर्मा के कोच रमेश व्यास ने कलेक्टर और मंत्री तुलसी सिलावट व उषा ठाकुर के समक्ष एक आवेदन भी दिया है और सभी ने कोच रमेश व्यास को पर्याप्त संसाधनों की पूर्ति के लिए आश्वासन भी दिया है। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।